Good morning, children. How are you? I hope you are fine. बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं और हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्वर। आप सभी ने छोटा बड़ा तो पढ़ा ही होगा, तो आ से लेकर आहा तक जो हम पढ़ते हैं वो स्वर कहलाता है। तो आइए आज हम इसी को रिविजन करते हैं। चलिए, छोटा से क्या होता है? अनार। बड़ा से आम। छोटी से इमली। बड़ी से ई। छोटा उसे उल्लू। बड़ा उसे ऊन। री से ऋषि। ए से एड़ी। ऐसे एनर। ओ से ओखली। अ से औरत। अंग से अंगूर। आहा माने कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, हम लोग आज पढ़ रहे थे स्वर। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। छोटा से क्या होता है सभी को पता है, अनार। बड़ा से आम। छोटी से इमली। बड़ी से ई। छोटा उसे उल्लू। बड़ा उसे ऊन। री से ऋषि। ए से एड़ी। ऐ से ऐनक। ओ से ओखली। अ से औरत। अंग से अंगूर। आहा बने कुछ नहीं। बच्चों ये देखिए, ये आपकी हिंदी की बुक है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास हिंदी की बुक नहीं है तो आप स्कूल से इसे परचेज कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें ये देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। और ये देखिए बच्चों, उसी के नीचे ये डॉट डॉट करके ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इन्हें आपको पेंसिल से बुक में पूरा करना है। इसी तरह बेटा आगे हम पढ़ेंगे, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, आहा माने कुछ नहीं। ये देखिए बुक के बिल्कुल नीचे देखिए बच्चों, इसमें भी बिंदु बिंदु को मिलाकर अक्षर लिखिए। तो ये देखिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा, इसमें डॉट डॉट करके लिखा हुआ है जो कि आपको पेंसिल से पूरा करना है, बुक में ही आपको ये भर लेना है। और ये देखिए बच्चों, ये चित्र को उनके नाम के पहले अक्षर से मिलाइए। ये क्या बना हुआ है? अनार। तो किससे होता है अनार? छोटा से, इसको हम छोटा से मिला देंगे। री से क्या होता है? ऋषि बाबा, तो इसको हम ऋषि से मिला देंगे। ओ से ओखली, ओखली से। ऊ से ऊट, इसको हम ऊट से ऊ से मिला देंगे। आज बड़ा से आम, इसको हम बड़ा से मिला देंगे। अंग से अंगूर, अंग से मिला देंगे। छोटी ई से इमली, इसको हम छोटी ई से मिला देंगे। अ से औरत को अ से मिला देंगे। तो ये सारा, इसको बेटा सारा आपको बुक में भर लेना है। और ये देखिए बुक में ही आपके ये दिया हुआ है। आज मैंने जो आपको स्वर बताया है, ये देखिए स्वर माला पूरी लिखिए। ये जो मैंने आपको स्वर लिखाए हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा, तो आपको बच्चों स्वर माला पूरी लिखें। यहाँ पर आपको छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ,